Hey, what's up everybody? This is Ashraf. Welcome back again. So guys, आज ईद का तीसरा दिन है और मैं और मेरे साथ है मेरे एक भाई, हम जा रहे हैं घूमने के लिए कॉर्निश पे, पूरा कॉर्निश घूमेंगे। सो गाइज, ये मेट्रो का अंदर का व्यू देख सकते हो, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है पता नहीं क्यों। और गाइज, अभी हम आए हैं सुकवाकिफ के मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से आप लोग हर जगह जा सकते हो। ये सामने है सुकवाकिफ का मेट्रो स्टेशन और यहाँ से ये सामने है मस्जिद, जो कतार का सबसे बड़ा मस्जिद है। यहाँ से ये रानी मार्केट, ये पास में ही है इधर। और यहाँ से आप लोग ये मस्जिद के सामने इधर पास में ये फिलिपिनो मार्केट, वहाँ पे भी जा सकते हो। और ये सामने है कॉर्निश, कॉर्निश भी आप लोग को इजी हो जाएगा यहाँ से। और गाइज, ये कतर का सबसे बड़ा मस्जिद है और बहुत खूबसूरत है, नाइट में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, मैं फुटेज में लगा दूंगा। और गाइज, ये कॉर्निश पे आए हैं हम और कॉर्निश का व्यू देख सकते हो। यहाँ पे सामने जो दिख रहा है ये है बोट स्टेशन, जहाँ से यॉट्स वगैरह रेंट पे लेके आप लोग इधर से आइलैंड जा सकते हो, जैसे बनाना आइलैंड होता है, बहुत सारे आइलैंड है जहाँ पे आप लोग जा सकते हो घूमने के लिए। और गाइज, सामने जो देख रहे हो ये है कतर का नेशनल म्यूजियम, ये पुराना वाला है और नया वाला यहाँ पे जाके सामने जाके मिल जाएगा आप लोगों को। इधर भी बनाया हुआ है नेशनल म्यूजियम। और ये जो बोट है ये नाइट में चलती है रेंट पे, जैसे 10 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल देके आप लोग रात को ये बोट चलती है, इधर राइड देती है, तो आप लोग घूम सकते हो आके। और बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा धूप है, बोल के लोग नहीं है, लेकिन ये देखो 4-5 बंदे घूम रहे हैं। और सामने जो दिख रहे हो ये है मीडिया हाउस कतर का, और यहाँ पे सामने जाके आपको पार्लियामेंट भी दिखाई देगा। और ये साइनेज बनाया हुआ है और ये इस जगह को पूरा नए से बनाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। और गाइज, ये है नेशनल म्यूजियम जाने का रास्ता, आप लोगों को सामने जाके ये म्यूजियम मिल जाएगा। और ये सिक्योरिटी चेक है। सो गाइज, हम धूप में चलते चलते बहुत टायर्ड हो गए। और ये है मुंतज़िर भाई, जो ईद के दिन घूमने के लिए आए अपने भाई के पास अलवाखिर पे, वो सनैया पे रहते हैं। तो मैं बहुत टायर्ड हो गया था धूप में चलते चलते, ये भी टायर्ड हो गए थे, सोचा हम लोग बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और गाइस, इधर बैठ के हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि वो पूरा ठंडा ठंडा हवा आ रहा था, सामने समंदर भी था, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पूरा देख सकते हो, इस एरिया का पूरा व्यू बहुत खूबसूरत है। और गाइस, ये बहुत बड़ा स्क्रीन है जहाँ पे कतार के लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और ये सारे बिल्डिंग्स देख सकते हो, बहुत अच्छा है। और ये एंकर है जो शिप से निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पे। और गाइस, सामने देख सकते हो यहाँ पे हर कंट्री का फ्लैग लगाया हुआ है। और गाइस, हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं दोहा ओल्ड पोर्ट पे, तो हम लोग जाएंगे आज दूसरे साइड पे, जहाँ पे मैं लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बोला था। और गाइस, इस एरिया को देखो कितना खूबसूरत और बहुत प्यारा मौसम है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा लोकेशन भी है। और ये सामने दिखाई दे रहा है दोहा पोर्ट है, ओल्ड जो पोर्ट है। और आज जाऊंगा मैं दूसरी साइड पे, तो इसके लिए मैं निकला हूँ, साथ में मेरे भाई है, वो मेरे को फोर्स किया आज कि चलो घूम के आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ निकल गया, मेरा सोचा मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। तो गाइज, अभी हम आ गए दूसरी साइड पे, ये इस एरिया को देख सकते हो, कितना अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा एरिया है, आप लोग इधर आओ। लेकिन इधर फैमिलीज वालों के लिए भी ज़्यादा ऑप्शन है। और ये देखो फाउंटेन है और ये सब कलरफुल बिल्डिंग्स है, इसके अंदर वो सारे होटल्स, उसके बाद लग्जरी आइटम वगैरह सब रहता है, इधर शॉप्स वगैरह रहता है। और ये इस लोकेशन को देखो, ये बहुत अच्छा एरिया है। और एक्चुअली हम यहाँ पे आने के बाद इस एरिया पे जाने की कोशिश की, तो उधर बोल रहा था सिक्योरिटी की ये प्राइवेट एरिया है, इधर नहीं जा सकते। अच्छा लोकेशन था, हमने फ़ोटो भी खींच लिया। और गाइस, फिर हम लोग वहाँ से चले आगे जाने के लिए, तो वहाँ से हम लोग जा रहे, तो इस एरिया को देख रहे, तो बहुत अच्छा लोकेशन बनाया है। और तो गाइस, हम लोग चलते चलते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, तो हम लोग इसलिए आके बैठ गए, लेकिन धूप में बैठना पड़ रहा है क्योंकि और कोई जगह भी नहीं, छाव नहीं है। और गाइस, ये सामने जितना भी देख रहे हो कलरफुल बिल्डिंग्स, एक्चुअली मैं उधर जाने के लिए आया था लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि फैमिली एरिया है बोल के। और ये एरिया को देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे बोट्स वगैरह रहता है, तो बोट इधर आता है और बोट को लेके घूमते हैं। ये सामने जो बोट है ये रेंटल बोट है, यहाँ पे फैमिली वगैरह जाके रेंट पे लेके घूम सकते हैं। और ये एरिया बहुत खूबसूरत है, आप लोग कतार विज़िट करने आओ तो इस जगह को मिस मत करना, बहुत खूबसूरत जगह है। और ये देखो स्पीड बोर्ड लेके ये लोग स्पीड बोर्ड रेस कर रहे हैं। और ये देखो एक बंदा यूवर्ट लेके घूम रहा है। और ये इस एरिया को भी देखो कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा जगह है। तो गाइज़, आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। स्टे सेफ।